उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस माइकल राज एस ने आज बोकारो में बोकारो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ड्राइव चलाकर औचक निरीक्षण किया। बोकारो पुलिस अधीक्षक के कार्यकलापों एवं कार्यशैली की समीक्षा की। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने उनके कार्यालय के लोगों से बातचीत की, फाइलें टटोली और अपना महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया। बोकारो जोन के आईजी की माने तो इस तरह के ड्राइव चलाने से पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार लाया जा सकता है, क्राइम ग्राफ भी कम होते हैं और इस तरह के ड्राइव पुलिस मैनुअल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी माने तो 2014 के बाद से यह ड्राइव बोकारो में नहीं चला था, आज एक बार फिर से यह ड्राइव उन्होंने चालू किया है। बोकारो पुलिस अधीक्षक के कार्यशैली से लेकर कार्यालय में हो रही दिक्कतों सहित सभी बिंदुओं पर उन्होंने बारीकी से जांच किया और उन सब की समीक्षा की। वहीं बोकारो पुलिस अधीक्षक को अपने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। ये बेसिकली हम लोग का जो हर साल में एक बार वरीय स्तर से सभी एसपी का ऑफिस का निरीक्षण करना जरूरी है, उसके अनुसार मैं आज एसपी बोकारो ऑफिस का निरीक्षण कर रहा हूँ। 2014 के बाद अभी पहली बार हमने निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें ये मकसद ये रहता है कि जो कार्यकलाप है जो एसपी ऑफिस का, उसमें क्या क्या कमी पाया गया पूर्व में, वो कमी का सुधार करने के लिए क्या आवश्यकता है, उस संबंध में हमारा स्तर से दिशा निर्देश दिया जाता है। और ये इंस्पेक्शन मेन मकसद वो ही रहता है, साथ ही साथ बाकी की त्रुटि वगैरह हुआ है तो उसको सुधार करेंगे। क्राइम ग्राफ को रोकने के लिए ये इंस्पेक्शन कितना ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है? एकदम ज़रूरी होता है, इसलिए हर चीज़ के लिए, क्राइम सिर्फ क्राइम नहीं है बाकी चीज़ के लिए। आज के दिनों में क्राइम का तो हम लोग हर दिन मॉनिटर करते ही हैं, बाकी चीज़ में भी जिसमें इंस्पेक्शन करने पर एक बार एक ये होता है कि सभी रिकॉर्ड वगैरह का अपडेट हो जाता है, एक साथ अपडेट हो जाता है। दूसरा है कि जहाँ जहाँ क्राइम को डिटेक्शन नहीं हुआ है उसमें डिटेक्शन करने की दिशा में भी हमारा तरफ से निर्देश वगैरह दिया जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट रहता है, डिटेक्शन करना बहुत आवश्यक है।